राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से गिट्टी खदान थाना अंतर्गत आने वाले भिवसनखोरी परिसर में महुआ शराब का अवैध जखीरा जमी दोस्त किया गया, जिससे भिवसनखोरी परिसर में खलबली मच गई। अवैध महुआ शराब का जखीरा बड़े पैमाने पर किया गया है। ऐसी जानकारी मिलते ही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से सिंघम कार्यवाही करते हुए जमीन के नीचे गड़ाए गए महुआ शराब के कई ड्रमों को जमी दोस्त कर दिया गया। इस समय में इनबीसीएन की टीम आपको एक ऐसा दृश्य बताने जा रही है जो लाइव बताने जा रही है कि आए दिन शहर में जिस प्रकार से ये मिलावटी जो बनावटी जो दारू जो होती है किस प्रकार से निकाली जाती है, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। ये वही महुआ की जो फूल है जिसको सड़ाए जाते हैं और इसको भट्टियाँ लगाई गई है, आप देख सकते हैं तीन तीन भट्टियाँ लगाई गई है, इसके अंदर में गुड़ और वो महुआ के फूल, आप थोड़ा सा आगे आरामत देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे भट्टी पे इसको और इसकी जो भाप बनेगी, इसके भाप से जो निकलेगी उसे महुआ की शराब कहते हैं। और ये जो शराब है काफ़ी इसमें नौसागर और आदि कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके चलते ये स्वास्थ्य से काफ़ी खतरा हो सकता है। ऐसे में ये तीसरी आप देख रहे हैं कि ये राज्य उत्पादन शुल्क की और स्थानीय पुलिस की वही टीम है जो संयुक्त कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार से आप ये देखिए, ये जो पाइपिंग यहाँ पे लगी हुई है, इस पाइपिंग से ये जो अंदर में जो इसकी जो भाप चल रही है, ये जो निकल रही है, ये वही इसे कहते हैं महुआ की शराब, जो एक गिलास पीने के बाद इसमें ढेर सारी नशा जरूर आती है और आए दिन लोग नशा इसी से करते हैं। दो पैसे के कमाने के लालच में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आज शहर के ऐसे कई भिवसनखोरी के ये परिसर में बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह से भट्टियाँ लग रही है और ये कामकाज होता है। प्रशासन का ध्यान नेता ऐसे बार बार कहा जाता है, थोड़ा यहाँ पहन कर के बताइए। ये देखिए कि जिस तरह से ये जो टाकियाँ ऐसे जमीन में गाड़ी हुई होती है और इसको यहीं पे पूरा फूल और ये सब कुछ इसमें डाल के इसको सड़ाया जाता है, फिर ऐसी भट्टियाँ निकलती है, इसकी जो भाप बनती है इसका जो पानी निकलता है ये निकलती है वो शराब जो लोगों को परोसी जाती है। होली का दिन, अभी होली का सीजन आगे आया हुआ है, ऐसे में लोगों को पीने के लिए लोगों को ये इस प्रकार के कामकाज होते हैं और खासतौर पे झुग्गी झोपड़ी में ये स्लम एरिया में ये इस प्रकार के काम होते हैं। आज इन लोग ऐसे विषारी जहरीले दारू से शराब से लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उसके बावजूद ये जो काम है बदस्तूर जारी है, लेकिन राज्य उत्पादन शुल्क ने आज जो सिंघम कार्रवाई कर बताई वो अपने आप में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इसको उलटा जा रहा है। ये जो बड़ा जो पाइप है इसको पुलिस द्वारा इसको कैसे पलटा जा रहा है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसी प्लेट में से ये सब आके यहाँ से जो भाप निकलती थी और इधर से जो पानी निकलता था वही शराब निकलती थी। ये सबसे बड़ा एक यंत्र कहा जाएगा। आप देख सकते हैं कि भिवसनखोरी ये जो एक गाँव है, इस गाँव का ये वही परिक्षेत्र है जिस क्षेत्रफल में कई ऐसे मकान झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ पक्के मकान भी बनाए हुए हैं। ऐसे में आप हर घर के पास आपको महुआ की दारू किस प्रकार से बनाई जाती है, कैसा उसका स्टोरेज किया जाता है, ये दिखाई दे रहा है। हर मकान में जो ऐसी खुली जगह होती है, नीचे में देख सकते, ये जो एक पानी की एक जो एक बहुत बड़ा एक ऐसी टंकी दिखाई दे रही है, इसी टंकी में से ये जो पानी है पूरी तरह से बहुत ही गंदा मैला पानी है, लेकिन ये उस जहरीली शराब के लिए इसका इसको कामकाज में लाया जाता है। और ये पूरा देखिए, ये जो पूरा बेल्ट है ये भिवसनखोरी की वही झोपड़पट्टी है जहाँ पे टीनों का शेड बना हुआ है, लोग अपना यहाँ पे आशियाना जरूर बनाए हुए हैं, मगर हर घर के पास में यहाँ पे लोगों ने दारू का जो जखीरा है मतलब महुआ की जो शराब जो बनती है वो शराब से, आप देखिए नीचे में जो छोटे छोटे डिब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, काले काले जो ढक्कन दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर में वही महुआ की शराब यहाँ पे पूरी तरह से सड़ चुकी है, गल चुकी है, और जितनी वो सड़ेगी गलेगी उतना ही तेज नशा होगा, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। देख सकते हैं कि इसके अंदर में निर्मा डाला जा रहा है। तो देखा आपने कि भिवसनखोरी में किस तरह से इतने हजारों जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसके अंदर में किस प्रकार के कामकाज हो रहे हैं। ऐसे एक मकान में हम आए हुए हैं, आप थोड़ा सा देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कई, देखिए पुलिस यहाँ पे निर्मा डालती हुई नजर आ रही है, उसको डंडे से घोल भी रही है ताकि ये जो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, ये जो जहरीली शराब है इसका जो जहर है पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ये किसी कामकाज में नहीं है। भिवसनखोरी में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 5,90,500 रुपए का माल बरामद किया है और इस घटना में लिप्त 3 महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आगे की जांच जारी है। इस संगम कार्यवाही के बारे में राज्य उत्पादन शुल्क के निरीक्षक राव साहेब कोरी ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों, हमने देखा कि किस तरह से भीषणखोरी में आज राज्य उत्पादन शुल्क और यहाँ के जो पुलिस थाना है उन्होंने एक संयुक्त तत्वावधान में ये बहुत बड़ी कार्रवाई की। अब तक के हजारों लीटर महुआ की जो शराब थी, जो जहरीली शराब थी, उसको पुलिस ने पूरी तरह से उसको जमींदोज कर दिया है। अब कोई ऐसा चांस नहीं कि कोई जैसे कोई उत्सव आता, कोई त्यौहार आता तो ये लोग जो दारू जो बेचते थे जहरीली, अब वो बेचने में कई बहुत सी रोकथाम लग चुकी है। इस समय आप देख सकते कि ये वही ट्रक है जहाँ पर शुरू के दौर में ये ट्रक पूरा खाली था, मगर जो इन्होंने जिस प्रकार से ये जो कार्रवाई की उसके अंदर जो ड्रम मिले हैं ये पूरी तरह से यहाँ पे बरामद किए हुए हैं। हज़ारों लीटर की, लाखों रुपए की ये जो जहरीली जो शराब है जिसे महुआ की शराब के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, उसको पूरी तरह से आज राव साहब कोरे के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। आइए, खुद हम इस समय में हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कोरे साहब, ये पता कि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कार्रवाई के बारे में? कितने हज़ार लीटर का माल आज आपने जमींदोज किया है, क्या कहना चाहेंगे? यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त मोहन वर्दे सर आणि नागपूरचे अधीक्षक प्रमोद सोनोने सर यांनी या मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले होते। यामध्ये पोलीस विभागाला सोबत घेऊन पोलीस विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी संयुक्त मोहीम राबवली, तर चांगल्या पद्धतीने राबवली जाईल ही धारणा गेल्या वर्षापासून आम्ही राबवली आणि आजही पोलीस विभागाला सोबत घेऊन दोघांनी संयुक्त मोहीम राबवली। यामध्ये परिमंडल दोन चे उप पोलीस उपायुक्त विवेक मासाळ सर यांनी आणि गांगुर्डे सर निरीक्षक गिट्टीखदान पोलीस स्टेशनचे यांनी खूप चांगली मदत केली आणि ती एक चांगला स्टाफ पुरवला, त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी झाली। या मोहिमेमध्ये साधारणपणे 200 लिटर क्षमतेने भरलेले 74 प्लॅस्टिकचे बॅरल रसायनाने सडलेले मिळालेले आहेत, याबरोबर 56 लोखंडी बॅरल आहेत ते 35 लिटरचे आहेत, त्याच्यानंतर 35 लिटरचे 190 प्लॅस्टिकचे कॅन आहेत, 200 लिटरचे भट्टी बॅरल 35 आहेत, असं साधारणपणे 590,500 रुपये किमतीचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। ही सगळ्या मोहिमेमध्ये जे हातभट्टीचे मूळ मालक आहेत त्या मालकांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे, त्या महिला आहेत, त्यांनी सुमित्रा राजेश बोरकर, सुलोचना अशोक गेडाम, पिंकी राहुल गोंडाने यांनी ह्या भट्ट्या चालल्या होत्या, यांच्या घराच्या झडती घेतल्या असत्या आणि त्यांच्या जागेच्या झडती घेतल्या असता, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहादारूचा सडवा मिळून आलेला आहे। यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब आहे की ज्या बॅरल्स ताब्यात घेण्यात आले तेवढे मिळाले तेवढे घेतले, पण अगदी जमिनीमध्ये जो माल पुरलेला आहे तो मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामध्ये निर्मा टाकून आणि एखादं केमिकल टाकून तो नाश करायचा प्रयत्न केला आहे जेणेकरून त्याचा यूज होणार नाही। आणि गेल्या वर्षभरामध्ये अशा पद्धतीने या भ्यवसनखोरीत चांगल्या पद्धतीनं मोहिमा राबवल्यामुळं निश्चितपणे यावर जे आरोग्याला घातक असलेली दारू आहे की कमी प्रमाणात उपलब्ध होईल अशा पद्धतीचं नियोजन करत आहोत आम्ही। भविष्यामध्ये हे समूळ उच्चाटन कसं करता येईल याचीही आम्ही पूर्ण कोशिश करणार आहे। तो आप थे महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क के निरीक्षक राव साहब कोरे, जिन्होंने बखुबेर बेबाके के साथ बात करते हुए ये कहा कि किस तरह से भीषणखोरी में आज ये जो कार्रवाई की गई जिसके चलते 5 लाख से ऊपर का माल इन्होंने बरामद किया है। कुछ ऐसा माल था कि जो ज़मीन के अंदर में गड़ा हुआ था जिसको निकाल नहीं पाते थे, ऐसे में उसको भी किसी केमिकल्स द्वारा उसे नष्ट किया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो कार्रवाई है इससे ये पूरे भीषणखोरी में खलबली सी मची है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर एक घर के बाद में इस तरह महुआ का कारोबार है बड़े धड़ल्ले से चल रहा था जिसकी भरक लगते राज्य उत्पादन शुल्क और गिट्टी खदान पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में ये जो कार्रवाई की गई है इसे सिंघम कार्रवाई कहा जा रहा है। भीषणखोरी से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मीरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।